Hello foodies, welcome to Culinary Treasure. Hope you all are doing well. आज मैं आपको बताऊंगी कीमा पाव की रेसिपी. This is non-vegetarian preparation. इसे आप रोटी, पराठे या दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो. So without any further ado, let's start the preparation. सबसे पहले हमें ले लेना है 500 grams of mutton कीमा. इसको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है. आप यहाँ देख सकते हो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ. आपको हाफ कप पानी ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. ये एक छोटा सा टिप है, ऐसा करने से आपके कीमा में गठिया नहीं बनेंगी, बिल्कुल दानेदार कीमा बन के रेडी होगा. अब इसे साइड में रख देते हैं. मैंने यहाँ ले लिया है प्रेशर कुकर. अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून घी. आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो, बट आप घी यूज़ करोगे तो इसका टेस्ट और इन्हांस होगा. तेल गरम होते ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 लौंग और 2 इलायची. अब मैंने यहाँ ऐड कर दिया 1 बड़ी इलायची. यहाँ मैंने ऐड कर दिया 1 तेज पत्ता. अब हमें यहाँ ऐड कर लेना है 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज. अब हमें कर लेना है इसे अच्छे से मिक्स. प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. गोल्डन ब्राउन करने से मटन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा. आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है. यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट. इसे भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 2 डाइस्ड टमाटोज. आप चाहे तो टमाटो की प्यूरी बना के भी डाल सकते हो. इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. अब मैं यहाँ ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक. यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है. अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च. कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा. यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर. अब मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर. कोई भी नॉर्मल रेड चिली पाउडर ले लीजिए. इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और तब तक पकाना है जब तक टमाटोज थोड़े सॉफ्ट एंड मशी ना हो जाए. यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप वाटर. ऐसा करने से जो मसाले नीचे चिपक रहे हैं वो चिपकेंगे नहीं. और इसे अच्छे से फिर से एक बार भून लेना है मिक्स करते हुए. आप देखोगे मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है. इस स्टेज पे आपको 1 टेबल स्पून हल्दी मिला लेनी है. मसाले को और 2-3 मिनट के लिए पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम में. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मटन कीमा. इसे कर लेना है अच्छे से मिक्स और कीमा को तब तक भूनना है जब तक इससे वाटर रिलीज ना हो जाए. इस स्टेप को करने में 4 से 5 मिनट लगते हैं. आप यहाँ देख सकते हो कीमा से पानी रिलीज होने लगा है. कीमा को 2 से 3 मिनट और भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 स्लिटेड ग्रीन चिली. आप ग्रीन चिली अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो. यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 लेमन जूस. अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है. मिक्स करने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट और पकाना पड़ेगा. आप यहाँ देख सकते हो कीमा से ऑयल सेपरेट हो गया है. इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 बाउल पीस. मैंने यहाँ फ्रोज़न पीस लिया है. आप चाहे तो फ्रेश पीस भी यूज़ कर सकते हो. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती. नाउ गिव इट अ फाइनल मिक्स. अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को एक साथ. अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1.5 कप वाटर. वाटर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो. इसे कर लेना है मिक्स. आप चाहे तो थोड़ा पानी कम ऐड करके हल्का सूखा बना सकते हो कीमा को, लेकिन तरी वाला कीमा खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है. अब हम कर देते हैं लिड को क्लोज. इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम में 2 से 3 सीटी आने तक पकाना है. इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज होने देना है. लिड ओपन करना है और आप यहाँ देख सकते हो बढ़िया सा कीमा बन के रेडी हो चुका है. सो यू कैन सी द परफेक्ट कलर एंड टेक्सचर ऑफ द रेसिपी. बिल्कुल दानेदार कीमा बन के रेडी हो चुका है. आज मैं इसको सर्व करूंगी पाव के साथ, तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं. यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून बटर ले लिया है. इसे अच्छे से तवे पे मेल्ट हो जाने देंगे. स्पैचुला की हेल्प से हमें बटर को पूरे तवे पे फैला देना है.
अब हमें इस पे पाव रख देना है और इसी तरह से रोटेट करते हुए आपको पाव को सेक लेने होंगे। एक से दो मिनट बाद जब एक साइड सिक जाए तो आपको इसे पलट देना है। नाउ अप्लाई लिटिल बटर ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड भी थोड़ा सा बटर अप्लाई करके आपको फिर से सेक लेना है। इसे एक बार पलट के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से सिक चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारा पाव बन के रेडी हो चुका है और अब हम यहाँ कर लेते हैं कीमा की प्लेटिंग। मैंने यहाँ एक प्लेट लेके कीमा को सर्व किया है। आप कोई भी प्लेट या बाउल लेके सर्व कर लें। यहाँ मैंने गार्निशिंग के लिए ऐड कर दिया है कुछ फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती। हमारा कीमा पाव बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, गिव इट अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप मंचिंग। बाय बाय।